हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजू फूड। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कि हम मक्खन से घी कैसे बनाएं। बहुत लोग होते हैं जिनको मक्खन से घी बनाने नहीं आता है, और वो ना क्या करते हैं कि मक्खन को कुछ ज़्यादा ही जला देते हैं, जिसकी वजह से उनकी घी काली हो जाती है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आप सबको इस वीडियो में यही बताऊँगी कि हमें मक्खन को कितना जलाना है जिससे कि उसका कलर और उसका टेस्ट दोनों अच्छा रहे। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने मक्खन को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, उसके बाद मैं उसे एक पतीले में निकाल रही हूँ। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें मक्खन को अच्छी तरह से वॉश करना है, नहीं तो इसमें जो दही रहता है ना, उसकी जो खटास रहती है, उसकी वजह से हमारा घी का टेस्ट ख़राब हो सकता है। इसे गैस पे चढ़ाएंगे और हमें गैस का फ्लेम लो रखना है। बाद हम देखेंगे कि ये मक्खन धीरे धीरे पिघलने लगा है, तो हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे भी। अगर हम इसको नहीं चलाएंगे ना, तो ये नीचे से जलने लग जाएगा, तो इसको हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। ऐसे पिघल चुका है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि वाइट वाइट जो इसमें फेन है ना, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी घी अभी अच्छी तरह से जला नहीं है, इसे भी और भी जलाना है। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, इसमें वाइट वाइट फेन नहीं है। तो अब हम इस गैस को ऑफ़ कर देंगे। हमारा घी बिल्कुल रेडी है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है और खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे एक छलनी की मदद से छान लेंगे। मक्खन से घी बनाने के प्रोसेस में हमें पूरे के पूरे 10 मिनट लगे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज का ये मक्खन से घी बनाने की वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ आप हमें कमेंट में बताइएगा। देखिए हमारा घी कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा कलर आया है, इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़, थैंक यू।